पाकिस्तान मैच जीत गया। यस। पिकनिक पर हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लास्ट में। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस खुर्शीद। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने स्पीकर रूलिंग केस का फैसला सुनाते हुए कहा है कि यूसुफ रजा गिलानी 26 अप्रैल से ही नाअहल है और इलेक्शन कमीशन 26 अप्रैल से यूसुफ रजा गिलानी की नशस्त खाली होने का नोटिफिकेशन जारी करे। फैसले में ये कहा गया है कि तौहीन अदालत की सजा पाने के बाद से यूसुफ रजा गिलानी आइन के आर्टिकल 63G के तहत कौमी असेंबली की रुकनियत के अहल नहीं रहे थे और स्पीकर की रूलिंग ऐवान के रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत नहीं आती। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी से तवील मुद्दत तक वजीर आजम रहने का एजाज भी छीन लिया। यूसुफ रजा गिलानी ने 25 मार्च 2008 को वजारत उज़्मा का हलफ उठाया और वो इब्तिदा में ये कहते हुए नहीं थकते थे कि वो 5 साल मुद्दत पूरी करेंगे और कुछ दिनों पहले ही उन्होंने आवाम को ये खुशखबरी सुनाई कि वो वजारत उज़्मा के मनसब पर तवील अरसे तक फाइज रहने का रैकेट बना चुके हैं, लेकिन शायद किस्मत का लिखा कुछ और था और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 26 अप्रैल से वजारत उज़्मा के मनसब से नाअहल करार देकर न सिर्फ वजारत उज़्मा ली बल्कि गिलानी साहब से तवील मुद्दत तक वजीर आज़म रहने का एजाज भी छीन लिया। अब क्या होगा, आईन और कानून क्या कहता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हालात को कैसे देख रही है? बात करते हैं साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर कंवर दिलशाद से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा रियाज ने आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कंवर दिलशाद साहब, आपसे मैं स्टार्ट करूंगी। वजीर आजम को आज सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया है, इस फैसले की आईनी और कानूनी हैसियत क्या है? क्या वजीर आजम अभी भी काम कर सकते हैं, अपील हो सकती है या सिर्फ रिव्यू की दरख्वास्त दी जा सकती है, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया जा सकता है उससे काम बन सकता है या फिर मामला फौरन फाइनल हो गया है? मेरी इतला के मुताबिक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सैयद यूसुफ गिलानी साहब ने अपने ओहदे से फारग होने के बाद वो अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस भी खाली कर दिया है। ये मुझे अभी इतला मिली है, कई दोस्तों ने मैसेज भेजे, SMS किया है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े सही तरीके से दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए अपनी जमहूरी रवायत को बरकरार रखते हुए उन्होंने उस फैसले को तस्लीम कर लिया है और उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर हाउस भी खाली कर दिया है और अपने जाती घर में शिफ्ट हो गए हैं और वो जो गए हैं अपने जाती घर में तो गाड़ी का फ्लैग भी इस्तेमाल नहीं किया। तो ये उनकी दानिशमंदी है, ये उनकी जमहूरी असूल है। लेकिन जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है उसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनको अपने डी नोटिफाई करने का मजाज है और वो उनको डी नोटिफाई करेगा और डी नोटिफाई करने के बाद वो उस इलाके में बाई इलेक्शन करवाने का मजाज है। अब उस इलाके में बाई इलेक्शन भी हो जाएंगे और बाई इलेक्शन होने के बाद हाँ जाहिर है बाई इलेक्शन होने हैं। तो ये तमाम तरीके जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करना इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। अभी आपने जिक्र किया आईनी और कानून जी उनकी दानिशमंदी का कि वो फ्लैग उतार दिया और वो वजीर आजम हाउस भी खाली कर दिया, कुछ इस दानिशमंदी में देर नहीं हो गई कंवर दिलशाद साहब? नहीं, वो दरअसल बात ये थी कि जो 26 अप्रैल को जो फैसला किया था ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसमें थोड़ा सा अभी अबहाम पाया जाता था। अच्छा। उसमें उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप नाहिल हो गए हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अपना ओहदा छोड़ दें, उन्होंने कहा कि आप मुमकिन आप पर ये अपना आर्टिकल 63G लागू हो सकती है। तो उन्होंने मे का लफ्ज इस्तेमाल किया, उस पर अपने स्पीकर कौमी असम्बली ने अपनी रूलिंग दे दी, अपनी दानिश में अपनी जहर है, उनकी अपनी एक लीगल टीम थी तो उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को नहीं भेजा, उन्होंने खुद ही फैसला कर दिया कि आर्टिकल 63(2) के तहत मैं ये महसूस कर रही हूँ कि नाहल नहीं हुए। अब चूंकि इसके बाद जो मुखालिफ पार्टी ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने आइन की तशरीह करते हुए उन्हें नाहल करार दे दिया और 26 अप्रैल से कहा कि आप नाहल हो चुके हैं। तो सर ये तमाम सिलसिला जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में हुआ है। ठीक है, राजा रियाज साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। राजा रियाज साहब,
क्या ख्याल है आज के फैसले के बाद जमहूरियत को खतरा है या नहीं है, और पीपल्स पार्टी का रद्दअमल क्या है इस नाअहली के फैसले के खिलाफ? शुक्रिया मोहतरमा जी। सबसे पहले तो मैं वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को मुबारकबाद भी देता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस जुरत और दलेरी के साथ उन्होंने अपनी पार्टी क़यादत और पार्टी के साथ कमिटमेंट को पूरा किया है, ये किसी आम आदमी का काम नहीं। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और उस पर उनको मैं खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। जहाँ तक बात है, हम जमहूरी लोग हैं, हमने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने आखिरी दम तक माई लॉर्ड का, और बाद में आप जानती हैं कि अदालतों ने खुद तस्लीम किया कि वो फैसला हमने प्रेशर में किया था, लेकिन जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद कर दिया गया। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और आसफ़ अली जरदारी साहब एक लंबे अरसे तक जेल में रहे, लेकिन हमने अदालतों का एहतराम किया। बिल्कुल ठीक है। आज भी जिस तरह, मेरी बात सुन ले, अभी जी मैं सुन रही हूं, अभी कंवर दिलशाद साहब ने जिस तरह कहा है कि पिछला जो फैसला था 26 अप्रैल वाला, उसमें अभाम था जी। और हमने स्टैंड लिया था कि ये फैसले में किसी जगह नहीं लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अपना ओहदा छोड़े। आज उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब नहल हैं और अपना ओहदा छोड़े, उस पर पार्टी की आदत आज बैठी है, मशवरे हुए हैं और अभी चंद लम्हे कबल अपील क्यों नहीं की? अपील करने की भी तो बात कर रहे थे ना वज़ीर-ए-आज़म साहब, वो कह रहे थे कि, वैसे ये पहले बता दीजिए अपील की क्यों नहीं? 30 दिन तक वो इंतजार करते रहे और फिर उनके स्टेटमेंट्स ये आते रहे कि मेरे पास अपील का हक है, हम करेंगे, आखिरी दिन करेंगे, तो क्यों नहीं की अपील? हमें कोई इंसाफ की तो नहीं थी, हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि इस जगह से हमें इंसाफ मिलेगा, हमें कोई नजर नहीं आ रहा था। जिस तरह हमारे साथ, हमें हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी ना किसी इदारे के जरिए द्वार से लगाया जाता है, तो आप इस दफा भी हमें द्वार से लगाया गया है, आपको उस पर भी शक है क्योंकि आज भी तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है ना? हमें उस पर तफजात है मोहतरमा। अच्छा। और हम, हमारी कानूनी और आईनी टीम जो है उसका जायजा ले रही है, जब अगर हम समझेंगे मुनासिब तो हम इस फैसले के खिलाफ भी अपील करने का हक रखते हैं। और इस फैसले के खिलाफ देखें, सबसे बड़ी बात यह कि सदर आसिफ अली, तो फिर आप अपील करेंगे? सब अपील करना हमारा हक है, फैसला मानने के बाद भी अपील करना हमारा हक है। और दूसरी बात ये कि सदर आसफ अली जरदारी साहब ने, देखे ये होता है बड़ा पन और सियासी सोच, उन्होंने फौरी तौर पे अपने कारकुनों को मना कर दिया है कि आप किसी किस्म का इस पे एहतजाज ना करें, सड़कों पे ना आए कोई, ये देखे ना, हम तो इस हद तक अदालतों का एहतराम करते हैं। एक तरफ पंजाब हुकूमत है, बात कर दी, मुझे ये बताइए क्या ख्याल है? वैसे लोग आज ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुन के खुशी हो रही होगी या गम में, अफसोस होगा उनको वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जाने का? जी बिल्कुल अफसोस होगा, गम होगा, क्योंकि जिस जुरत और दलेरी के साथ, ठीक, कोई एक वजह बता दीजिए कि आवाम इस फैसले के खिलाफ एहतजाज करें या उनको दुख हो, क्योंकि 4.5 साल में एक्सपर्ट्स का कहना यह है, माहिरीन कहते हैं, आपके जो मुखालफीन है वो भी कहते हैं कि आपने 4.5 साल में आवाम को कुछ नहीं दिया, रोटी कपड़ा मकान नहीं, बिजली गैस पानी नहीं, अमन व अमान नहीं, तो फिर लोग क्यों दुख करेंगे? क्या दिया आपने उन्हें? रोटी कपड़ा जो है ये सूबाई हुकूमत का मोहतरमा मसला है और अमन अमान सूबाई हुकूमत का मसला है। हमने तकरीबन 120 अरब गरीबों में, गरीब औरतों में, पूरे पाकिस्तान में 3 सालों में 120 अरब, 130 अरब, 150 अरब तक गरीब औरतों में तकसीम किए, 18वीं तरमीम की, 19वीं तरमीम की, NFC अवार्ड जो मुशर्रफ अपने पूरे दौर में नहीं कर सका वो सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब ने किया, कोई सियासी कैदी नहीं है पंजाब में, ये मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में। अच्छा। पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो मियां शहबाज शरीफ की माँ पर हो रहा है, उनकी सरपरस्ती में हो रहा है। और आज मैंने असेंबली में फ्लोर पर, अभी आपने जो बातें आप बता रहे हैं, इतना काम किया, फिर तो अफसोस में लोगों को बाहर आके हाय हाय करना चाहिए, इतना काम किया वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 4.5 साल में। जी सदर साहब ने हमारी पार्टी के, हमारी पार्टी जो है उसके शरीक चेयरमैन और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने
आज वाज़े अल्फाज में कहा है कि हमने इस पर एहतजाज नहीं करना। अच्छा। हम नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर जमहूरी हुकूमत जो है वो डीरेल हो। हम इस फैसले को जमहूरियत की मजबूती के लिए तस्लीम करते हैं और हम चाहते हैं कि ये जमहूरियत की जो गाड़ी है ये चलती रहे। राजा रियाज साहब, दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। कवर दिलशाद साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ना अहली का जो इतलाक 26 अप्रैल से हो रहा है, तो फिर 26 अप्रैल के बाद होने वाले या किए जाने वाले जो फैसले हैं उनकी आईनी और कानूनी अहमियत क्या होगी, क्या हैसियत है उसकी? उसके लिए ज़ाहिर है कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 31 जुलाई 2009 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया था फुल कोर्ट्स ने, इसमें के तकरीबन 55 के करीब 30 से ज़्यादा जजों को फारिग कर दिया गया था, उसी फैसले में ये लिखा हुआ था कि जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर ने जो फैसले किए हैं जिसमें इंतखाबात भी का मरहला भी आया और सदर मुमलकत का हलफ उठाया उन्होंने, इन हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास मिसालें मौजूद हैं, लेकिन हमारी पार्लियामेंट जो है ये 26 अप्रैल से लेकर 18 जून या 19 जून तक जितने फैसले हुए हैं इनको वैलिड करार दे देगी। अच्छा, तो वैलिडिटी हो जाएगी, ये लीगल प्रोविजन है, इसमें कोई मसला नहीं है। और वो जो दौरे वैलिड करने पड़ेंगे, वो गैर मुल्की जो दौरे हुए और वहां जो मुआहदे, गैर मुल्की भी जी नहीं, वो सारे माहदे हो गए, हमारा बजट पास हो गया, ये तमाम फैसले जो कैबिनेट ने किए हैं ये तमाम जो है ये हमारी कौमी असम्बली और पार्लियामेंट जो है उसको वैलिड करने की मजाज है और उनको वैलिड करने चाहिए और वैलिड कर देंगे, इसमें कोई आईनी भ्रांत पैदा नहीं होगा। अच्छा, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी की है बजट के हवाले से, हम ये भी जानना चाह रहे थे, पूछना चाह रहे थे कि वजीर आजम साहब ज़ाहिर सजा के बाद ही 26 अप्रैल के बाद ये बजट आया है, तो जिस वजीर आजम की हुकूमत ने बजट पेश किया है आज के फैसले के मुताबिक वो ना अहल, उनकी कैबिनेट ना अहल, तो आप कह रहे हैं कि बजट जो है उसको भी मान लिया जाएगा, उसकी भी हैसियत है, वो उसको वैलिड करार दे दिया, पार्लियामेंट हमारी उसको वैलिड करार दे देगी।